वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यूपी के संभल में राज्य मंत्री गुलाब देवी से सवाल पूछना स्थानीय पत्रकार संजय राणा को भारी पड़ गया। संजय राणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह गिरफ्तारी इस आरोप पर पुलिस द्वारा की गई है कि उसने मंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान डाला है, गाली गलौज की है और मारपीट की है, जबकि पत्रकार ने लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उसके पास उस वक्त की वीडियो मौजूद है जो उसकी बेगुनाही के सबूत है। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे अघोषित इमरजेंसी व तानाशाही करार दिया है। हाल ही में राहुल गांधी ने भी विदेश में भारत में लोकतंत्र दबाने के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर संसद में रोजाना पक्ष व विपक्ष में रस्साकसी चल रही है। दरअसल गुलाब देवी चंदौसी कोतवाली के बुधनगर खंडवा गांव में 11 मार्च को सोत नदी पर चेक डैम निर्माण शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय पत्रकार संजय राणा ने मंत्री से विकास कार्य संबंधी पुराने वादों पर सवाल किया, तो पहले मंत्री ने नाराजगी भरे लहजे में पत्रकार को धमकाने की कोशिश की और बाद में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम राघव से रिपोर्ट दर्ज कराकर संजय राणा को गिरफ्तार करा दिया। हालांकि गुलाब देवी ने यह भी दावा किया है कि उनका इस गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए वह वीडियो जिसमें संजय राणा मंत्री गुलाब देवी से सवाल कर रहा है। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक या पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहां पर, आपके कार्यालय भी गए थे मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी मैम, एक बात तो बताइए, आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम सब तक करोगी जो आपने कहा। एक मिनट आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ तो क्या कराएंगे हम? लिखित रूप में भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ, हाथ घर है कोई? अभी आमने सामने कोई भी बरात घर है? रास्ता है? बात रख रहा, तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जो बात रखी है तो बात तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है अभी समय नहीं निकला है, ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं, ये बुद्ध नगर कुंदनपुर और ये खंडवा ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहां पर भी पूरी काम होगा, जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, जल्दी करूंगी जैसे आपने कहा। आप शौचालय बनवा। इसके बाद कोर्ट के बाहर संजय राणा ने यह कहा। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया था। मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए, बुला रहे हैं। लेकिन FIR जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी? नहीं मैं मंच पर नहीं चढ़ाऊँ, मैं पीछे इजाजत ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाजत ली है, उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, सबूत तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो
इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे, आपने कोई गलत हरकत की वहाँ? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब कोई गलत, जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है, कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई आप? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो, जमानत कराने? हाँ जी, जमानत। हाँ जी। था क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने किए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।